नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को सुषमा गुप्ता जी द्वारा हिंदी अनुवाद इटली की एक लोक कथा तीन बुढ़िया सुनाने जा रही हूँ। एक बार तीन बहनें थीं और तीनों जवान थीं। उनमें से एक की उम्र 61 साल, दूसरी की 75 और तीसरी की 95 साल थी। इन लड़कियों के घर में एक सुंदर सी छोटी सी बालकोनी थी, जिसमें बिल्कुल बीचों बीच एक बड़ा सा छेद था, जिसमें से वे सड़क पर आते जाते लोगों को देख सकती थी। एक बार उस 95 साल वाली लड़की ने एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान को सड़क पर आते हुए देखा, तो जैसे ही वह उसकी बालकोनी के नीचे से गुजरा तो उसने अपना खूबसूरत बढ़िया रुमाल उठाया और उसको नीचे फेंक दिया। उस नौजवान ने उस रुमाल को उठा लिया, उसकी खुशबू को महसूस किया और सोचा कि यह रुमाल जरूर ही किसी बहुत खूबसूरत लड़की का होगा। पहले तो वह थोड़ी दूर आगे चला गया, पर फिर वापस आया और उस घर का दरवाज़ा खटखटाकर, जिसकी बालकोनी से वह रुमाल नीचे गिरा था, उन तीनों बहनों में से एक बहन ने दरवाज़ा खोला तो उस नौजवान ने उससे पूछा, क्या आप मुझे बताएंगी कि यहाँ कोई जवान लड़की रहती है क्या? हाँ हाँ, एक ही नहीं, तीन तीन हैं, वह नौजवान वह रुमाल दिखाते हुए बोला, क्या आप मुझे उस लड़की के पास ले चलेंगी जिसका यह रुमाल है? नहीं, यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि यह हमारे घर का नियम है कि शादी से पहले लड़की नहीं देखी जा सकती। वह नौजवान उस लड़की की सुंदरता को सोच कर पहले से ही बहुत उत्साहित था, सो वह बोला, यह कोई बड़ी बात नहीं है, मैं उसको बिना देखे ही शादी कर लूँगा। अभी तो मैं यह खबर अपनी माँ को बताने जा रहा हूँ कि मैंने एक सुंदर सी लड़की ढूंढ ली है जिससे मैं शादी करने जा रहा हूँ। इतना कहकर वह तुरंत ही वहाँ से चला गया। वह घर पहुँचा और जाकर अपनी माँ को सारा किस्सा सुनाने लगा। माँ ने कहा, बेटा अपना ख्याल रखना, सोच समझ कर ही शादी के लिए फैसला लेना। नौजवान बोला, माँ वो लोग बहुत अच्छे हैं और अब तो मैंने जवान दे दी है और एक राजा को अपनी बात तो रखनी ही चाहिए। अब यह नौजवान इत्तफाक से एक राजा था। माँ से बात करके वह लौटकर फिर दुल्हन के घर आया और फिर से उसने दरवाज़ा खटखटाया। फिर से पहली वाली बुढ़िया ही बाहर निकली। राजा ने उससे पूछा, क्या आप उसकी दादी हैं? तुमने ठीक जाना, मैं उसकी दादी ही हूँ। अगर आप उसकी दादी हैं तो मेरे ऊपर एक मेहरबानी करेंगी, मुझे उस लड़की की कम से कम एक उंगली तो दिखा दीजिए। नहीं, अभी नहीं, इसके लिए तुमको कल आना पड़ेगा, वह बुढ़िया बोली। फिर नौजवान राजा वहाँ से चला गया। अब बुढ़िया ने एक दस्ताने की उंगली को नकली उंगली बनाई और उस पर एक नकली नाखून लगा दिया। नौजवान राजा भी घर चला तो गया, पर उस उंगली को देखने की उत्सुकता में उसे रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन आखिर सूरज निकला तो वह जल्दी से तैयार होकर दुल्हन के घर की तरफ दौड़ा। दरवाज़ा खटखटाने पर फिर उसी बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला तो नौजवान बोला, दादी माँ, मैं अपनी दुल्हन की उंगली देखने आया हूँ। हाँ हाँ, अभी लो, तुम इस चाबी के छेद में से उसे देख सकते हो। दुल्हन ने वह नकली उंगली उस छेद में से बाहर कर दी। नौजवान ने उस उंगली को चूमा और हीरे की एक अंगूठी उसको पहना दी। प्यार में पागल उसने उस बुढ़िया से कहा, मुझे उससे अभी शादी करनी है दादी माँ, मैं अब इंतजार नहीं कर सकता। उसकी बात सुन बुढ़िया बोली, अगर तुम चाहो तो तुम उससे कल ही शादी कर सकते हो। बहुत बढ़िया, मैं उससे कल ही शादी कर लूँगा, यह एक राजा का वादा है, यह कहकर राजा वहाँ से चला गया। वे तीनों बुढ़िया खुद ही बहुत अमीर थी, सो रात भर में उन्होंने शादी की सारी व्यवस्था कर ली। अगले दिन दुल्हन की दोनों बहनों ने दुल्हन को सजा दिया। राजा भी अगले दिन आ गया और बोला, दादी माँ मैं आ गया, जरा ठहरो, हम उसको तुम्हारे पास अभी लाते हैं। उसके बाद दुल्हन अपनी दोनों बहनों की बाहों में बाहें डालकर सात पर्दों में ढकी हुई वहाँ आ पहुँची।
अब एक बुढ़िया ने राजा से कहा, याद रखना तुम उसके चेहरे को तब तक मत देखना जब तक तुम अपने कमरे में ना पहुंच जाओ। फिर वे सब चर्च चले गए, वहां उनकी शादी हो गई। उसके बाद राजा दुल्हन को शाम के खाने के लिए ले जाना चाहता था, लेकिन बुढ़ियाओं ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, दुल्हन को ऐसी बेवकूफियाँ अच्छी नहीं लगती, वह वहाँ नहीं जाएगी। सुनकर राजा बेचारा चुप रह गया। तो अब तो वह बस रात का इंतजार कर रहा था, जब वह अपनी दुल्हन के साथ अपने कमरे में अकेला होगा और उसका सुंदर चेहरा दिखेगा। आखिर वह समय आ गया जब वे बुढ़ियाएँ उसकी दुल्हन को उसके कमरे में ले गई, पर उन्होंने राजा को अंदर नहीं घुसने दिया, उसको कमरे के बाहर ही खड़ा रखा। कुछ देर बाद ही उन्होंने उसको अंदर जाने के लिए कहा। अंदर जाकर उसने देखा कि दुल्हन तो चादर से ढकी लेटी हुई है और उसकी दोनों बुढ़िया बहन कमरे में कुछ कुछ करती इधर उधर घूम रही थी। राजा ने अपने कपड़े बदले और वे बुढ़िया लैंप लेकर कमरे से बाहर चली गई। पर राजा अपनी जेब में से एक मोमबत्ती लेकर आया था, सो उसने वह मोमबत्ती निकाली और जला ली। उस मोमबत्ती की रोशनी में उसने देखा कि वहाँ तो झुर्रियों से भरे हुए चेहरे वाली एक बुढ़िया थी। उस बुढ़िया को देखकर एक पल के लिए तो वह सन्न रह गया और डर के मारे हिल भी नहीं सका। फिर गुस्से में आकर उसने अपनी पत्नी को पकड़ा और हवा में घुमाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। इत्तफाक से खिड़की के नीचे बेलों से ढकी हुई कुछ डाली खड़ी थी। गिरते समय उस बुढ़िया की स्कर्ट उसकी एक डाली में अटक गई और वह हवा में लटकने लगी। इत्तफाक से उस रात तीन परियां बगीचे में घूम रही थी। उन्होंने जब उस बुढ़िया को डाली पर लटके देखा तो वह उस नज़ारे को देखकर हंसने लगी, और वे तब तक हंसती रही जब तक उनके पेट में हंसते हंसते बल नहीं पड़ गए। और जब उनकी हंसी रुकी तो एक परी बोली, अब जबकि हम उसकी इस हालत पर इतना हंस चुके हैं तो अब हमें उसकी कुछ सहायता भी करनी चाहिए। दूसरी परी बोली, हाँ यह तो ठीक है, हमको इसकी कुछ सहायता तो ज़रूर ही करनी चाहिए। अब सब परियां उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने उसे एक सुंदर लड़की में बदल और वह वहां से चली गई। अगले दिन जब राजा सोकर उठा तो वह पिछली बातों को याद करने लगा, यह यकीन करने के लिए कि कल वाली बातें यह सब सच थी या सपना। उसने अपनी खिड़की खोली और देखा कि जिस बुढ़िया को उसने कल रात खिड़की से बाहर फेंका था वह वहाँ है कि नहीं। पर उसको तो यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस डंडी पर दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लटकी हुई है। उसने अपना सिर पीट लिया, ओह ये मैंने क्या कर दिया। फिर उसने किसी तरह उस लड़की को कमरे में खींचा और राजा बार बार उसको देखकर खुश होता रहा और उससे माफ़ी मांगने लगा। लड़की ने भी उसको माफ़ कर दिया। तभी कुछ देर बाद दरवाजे पे खटखटाने की आवाज़ आई। राजा ने दरवाज़ा खोला तो एक बुढ़िया अंदर आई। उसने बिस्तर की तरफ देखा कि वहाँ तो उसकी 95 साल की बुढ़िया बहन की बजाय एक बहुत सुंदर लड़की बैठी हुई है। वह जैसे ही चिल्लाने को हुई तभी लड़की ने बोला, क्लेमेंटाइन जरा कॉफ़ी तो बना देना। अब बुढ़िया को यकीन हो गया कि यह तो उसकी बड़ी बहन ही है। वह चुपचाप उस कमरे से निकल गई। पर जैसे ही राजा अपने काम पर गया वह दौड़ती हुई अपनी बहन के पास पहुंच और पूछने लगी कि तुम इतनी सुंदर लड़की में कैसे बदल गई। लड़की बोली, जरा धीरे बोलो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैंने क्या करवाया है। मैंने अपने आप को बड़ई से एक सार करवाया है। बड़ई से एक सार, वो बुढ़िया बोली। अब बुढ़िया ने जैसे ही ये बात सुनी वह भागती हुई बड़ई की दुकान में पहुंची और बोली, ओ बड़ई क्या तुम मुझे भी एक सार कर सकते हो जैसे तुमने मेरी बड़ी बहन को किया। बड़ई चिल्लाया, ओ मेरे भगवान, तुम तो पहले से ही मरी हुई लकड़ी हो, अगर मैंने तुमको एक सार किया तो तुम तो स्वर्ग पहुंच जाओगी। बुढ़िया अपनी जिद पर अड़ी थी। उसने बड़ई को पैसे का लालच दिया और खुद को एक सार कराने लगी। अब बड़ई भी उसकी बात मान गया
और उसने जैसे उसके जबड़े को एकसार किया, बुढ़िया चिल्लाई और बड़ा ही बोला, अगर तुम इस तरह चिल्लाओगी तो मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा। वह चुप हो गई और उसने अपना दूसरा जबड़ा उसकी तरफ किया। जैसे ही उसने उसे एकसार किया, फिर बुढ़िया के चिल्लाने की आवाज़ नहीं आई, क्योंकि वह मर चुकी थी। उस तीसरी बुढ़िया के बारे में भी कोई नहीं जानता था कि वह जिंदा है या मर गई। केवल दुल्हन ही अपने जवान राजा के साथ घर भर में बच गई थी और फिर वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।